वेलकम स्टूडेंट, आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या ये कहना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाओं का कुछ अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में देख चुके हैं, तो इसमें वीडियो में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, भ्रूण का विकास जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, भ्रूण का विकास हम देखेंगे। उसमें भी हम भ्रूण का जो विकास है वो दो तरीके से देखेंगे, एक तो द्विबीजपत्रक में भ्रूण का विकास देखेंगे और एक एक बीज पत्रक में भ्रूण का विकास देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत 11th क्लास का मैं आपको यहाँ पर एक चित्र जो मैंने यहाँ दिखाए हैं इसे आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि मोनोकॉट और एक डाइकॉट सीड है ना कैसा होता है, उसको आप ध्यान कीजिए, क्योंकि यही सीड ये बनना है, यही सीड जो है बीजांड के अंदर बनेगा। तो वो कैसा कैसा कुछ भी आपको आपको उसमें ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैं बता रहा हूँ कि कौन किन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, जो आपको याद रखनी है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि ये एपिकोटाइल है ना, इसके ऊपर का रीजन जो है प्ल्यूम्यूल होता है, प्ल्यूम्यूल प्ल्यूम्यूल मतलब प्रांकुर, जो कि बाद में शूट बनेगा, ऊपर का पार्ट मतलब स्टेम लीफ वाला पोर्शन है ना। और इसी तरह से ये इसमें यहाँ देखिए देखिए ये दो सीड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक तो ये तो बीन सीड है, सेम डाइकॉट है, ये द्विबीज पत्रक है ना, और ये मक्के का बीज है जो कि एक मोनोकॉट का उदाहरण है, ठीक है ये वाला। तो इसमें आप देखिए कि रेडिकल है, एक चीज रेडिकल है, रेडिकल से मूलांकुर कहते हैं जिसे, जिसे जड़ें का विकास होता है। हाइपोकोटाइल वो रीजन है एम्ब्रायनल एक्सिस का जो कि रेडिकल में समाप्त होता है, मतलब यहाँ अगर इसको यहाँ इसको समझने के लिए यहाँ देखिए आप ये वाला देखिए, ठीक है ना। तो एपिकोटाइल प्लूमूल में खत्म होता है और जो हाइपोकोटाइल है वो रेडिकल में बाद में जड़े बनती है जिससे, ठीक है रेडिकल से जड़े बनती है। बाकी ये कोटिलीडॉन्स है, कोटिलीडॉन जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये सब हमने 11th में हमने देखा है, तो बस आपको मैं ऐसे ही याद दिला रहा हूँ इसको। तो ये पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है ना, इस पूरे को इसमें एम्ब्रियो को विकास हम अभी देखने वाले हैं, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। तो देखिए आप अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, तो किस तरह से विकास होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो भ्रूण है, अच्छा जो जायगोट बन गया है, पहले तो हमारे हमने देखा था ना कि जो परागण हुआ, परागण के बाद वो वर्तिका में आया, वर्तिका के बाद वो अंदर गया और उसने अंडे के साथ निषेचन कर लिया है ना, अंडे के साथ निषेचन करने के बाद एक जायगोट यानी कि युग्मनज बना दिया। और जायगोट ने जो डिवाइड हुआ, जायगोट जो डिवाइड होता है वो क्या बनाता है, ये दो कोशिकाएं बनाता है, पहला डिवीजन जो उसमें होता है इसे दो कोशिकाएं मिलती हैं, इसको बोलते हैं हम शिखाग्र कोशिका, शिखाग्र ऊपर की है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं। देखिए ऊपर नीचे वाली बात इस तरह से समझिएगा जो यहाँ हो रहा है, अब मैंने ये एनाट्रोपस टाइप का ओवल बनाया उल्टा वाला, तो यहाँ हम इसी हिसाब से चल रहे हैं, अगर ये इस तरह होता तो हम दूसरे हिसाब से चलते, ठीक है ना, फिलहाल हम इसको इस तरह बन रहे हैं। तो ये जो ऊपर की कोशिका है इसको हमने कह दिया शिखाग्र कोशिका, सही मायने में यही शिखाग्र कोशिका, ये वाली जो ऊपर का ये है, इसने क्या बनना है, यही पूरा का पूरा भ्रूण बनेगा। और फिर ये नीचे की कोशिका जो प्रथम डिवीजन से बनी है इसको हम कहते हैं कैसी कोशिका, आधारीय कोशिका, आधार आधार कोशिका। तो आधार कोशिका बेसिकली बनाएगी सस्पेंसर, सस्पेंसर या निलंबक, अभी हम देखेंगे इसको और आगे, और ये बनाएगा एम्ब्रायनल सेल, माने कि इसी से भ्रूण बनेगा, ये ध्यान रखना भ्रूण का डेवलपमेंट इससे होगा, इसका काम केवल सपोर्टिव वाला है, सस्पेंसर सेल निलंबक का काम, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये हुआ, इसके बाद इसमें होता क्या है, इसको इस तरह बात ये वाला चित्र देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे वैसे ये दोनों सेलों में डेवलपमेंट होता है, मतलब कि डिवीजन होता रहता है, और दोनों डिवीजन होता है तो वो पहले हम देखते हैं कि किस किस का डिवीजन, पहले हम इस नीचे वाले सेल का डिवीजन देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे हो रहा है, सेल का डिवीजन दोनों एक ही टाइम पे लगभग चल रहा है, लेकिन हम समझने के लिए हम पहले देखते हैं सस्पेंशन में क्या होता है। ये सस्पेंसर है जो निलंबक है, ये कोशिका ये सस्पेंसर कैसे बनता है, ये जो ये वाला जो नीचे वाला सेल था ना आधारीय सेल, ये आधारीय सेल डिवीजन करता है, करीब 8 से 10 सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होता है,
और उससे ये करीब 8 से 10 ऐसे बन जाता है, ये देख रहे हैं आप यहाँ सस्पेंसर, इसको बोलते हैं सस्पेंसर, इसे कहते हैं निलंबक। इसकी जो आखिरी कोशिका है, इसी की आखिरी कोशिका है, इसको हाइपोफाइसल नहीं कहते, ये गलत है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं, ये जो कोशिका है इसे हम कहते हैं जो थोड़ी सी सूजी हुई लग रही है आपको, निलंबक की ही कोशिका है। ये क्या है? हॉस्टोरिया, इसे कहते हैं हॉस्टोरिया, मैं लिख देता हूं यहां पे, चूसकांग लिख देता हूं मैं, हॉस्टोरिया या चूसकांग, जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसा काम है फूड और मटेरियल को, ये वाली कोशिका ये यहां से फूड चूस लेती है और अल्टीमेटली सप्लाई किसको करती है, इस एम्ब्रियो को, देखो ये एम्ब्रियो है फाइनल, नीचे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बनना इसने ये है, तो हम धीरे धीरे डेवलपमेंट देख रहे हैं कैसा हो रहा है। तो चूसकांग ये थोड़ा सूजा हुआ बड़ी कोशिका है, इसका काम क्या है कि ये आसपास के भोजन को चूसकर एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो जो कि इसमें बनना है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं, इसको देखने के लिए आप यहां देखिए, ठीक है, ये तो नीचे हॉस्टोरिया है, चूसकांग है, हॉस्टोरिया चूसकांग, और ऊपर के 7-8 सेल सस्पेंसर के, पूरे सारे 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 सेल सस्पेंसर है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है बिल्कुल जो ये लास्ट वाली कोशिका है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो कोशिका है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस हिंदी में भी बेटा इसको यही बोलते हैं, इसका ऐसा कोई नाम नहीं है। हाइपोफाइसिस, ठीक ठीक है ना, जो बिल्कुल एम्ब्रायनल के टच में रहती है, जो ये टर्मिनल सेल जो ऊपर शिखाग्र कोशिका से जो भी बन रहा है स्ट्रक्चर, अभी हम इसको भी देखेंगे, तो ये हाइपोफाइसिस। तो इसमें दो बातें ध्यान रखिए, सस्पेंसर में दो सेल, एक हाइपोफाइसिस और एक नीचे वाला ये हॉस्टोरिया। ठीक, हाइपोफाइसिस का काम क्या है? हाइपोफाइसिस बाद में जो है रेडिकल का अग्रभाग, रेडिकल का अग्रभाग, मूलांकुर का अग्रभाग उसको बनाता है, रेडिकल का अग्रभाग बनाता है। ठीक है, हाइपोफाइसिस। चलिए साथ साथ में अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में, है ना, इस वाले में कैसे 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 डिवीजन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले डिवीजन होता है, इसमें इसमें मान लीजिए इसमें दो तरह से डिवीजन होता है, एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। एक बार तो ऐसे डिवीजन होता है, मान लीजिए एक से उसी का ऐसे डिवीजन हो गया, दो ऐसे डिवीजन होते हैं, तो एक बारी में जैसे ऐसे बने ना खड़े सेल में, आप इस तरह देखिए, इसको मैं 3 डायमेंशन में नहीं दिखा सकता आपको ना, तो इस तरह से इसमें दो डिवीजन ऐसे होते हैं और दो डिवीजन ऐसे होते हैं, तो कितने सेल बन जाएंगे, ये कितने बनेंगे, दो से इसमें बनेंगे 4, 4 के बाद ये बनेगा 8। तो ये करीब, ये समझिए, ये बन गया है एक अष्टांग, क्या कहते हैं इसको, अष्टांशक, अष्टांशक, 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ऑक्टेंट, क्या कहते हैं ऑक्टेंट, ऑक्टा, ऑक्टा 8, अष्टांशांग। ठीक है ना, 4 जो हुए खड़े में डिवीजन भी हुए, 4 सेल जो खड़े वाले ऐसे करके डिवीजन से बने, उसके बाद उनमें इस तरह डिवीजन हो गया तो नीचे बन गए, तो ये करीब कैसे नीचे, ये करीब 8 सेल, ये समझ लिए, पीछे भी इसके हैं और आगे भी, तो ये 8 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम प्राक एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण भी कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो बन गया ये, इसी से एम्ब्रियो बनना, मैंने आपको पहले ही बताया। ये डिवीजन किसमें हो रहा है? ये हो रहा है आपके शिखाग्र कोशिका में, और इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, देखिए इस तरह से संरचना बन जाती है, डिवीजन हो रहा है ना, अभी सेलों में डिवाइड होते रहते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के, इस तरह समझ लीजिए इसको, 4 ऊपर के हैं 4 नीचे के हैं, सिविल डिवीजन हो रहा है, यहां बहुत स्पष्ट अगर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में कुछ इसी तरह नजर आएगा, 3 आयाम में अगर हम इसको देखें। ठीक है, साथ साथ में इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, तो उसके बाद ये वाला चित्र देखिए, उसके बाद चित्र देखिए, ये इस तरह स्टेज में पहुंच चुका है, धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो अष्टकांग है, अच्छा अष्टकांग में थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है, इसको इस स्ट्रक्चर को देखिए, डी के बाद ये वाला आप स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरह से ये एक हॉर्ड शेप बन जाता है ना, इसमें इस तरह से खांच बन जाती है और ये क्या हो जाता है, एक हॉर्ड शेप में बदल जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए, है ना, ये देखिए, एक हार्ट शेप में बन जाता है। अच्छा, अब इसमें ये समझिए कि
जो ये बना हुआ है इसको इसको समझने के लिए अष्टासंग जो है या ऑक्टेंट जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसको समझिए। इसको समझने के लिए चलिए मैं इसको अगले स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, फिर इस पे चाहे वापस आ जाएंगे हम। हाँ यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्जेस्टेड हो रहा था ना। तो अब जो अब देखो ये वाला पोर्शन भ्रूण क्या है, भ्रूण केवल इतना पोर्शन है, यही तो है ना। तो ये किससे बना, ऊपर वाले सेलों से। ऊपर वाले सेल को मैं चलो यहां बना के दिखाता हूँ आपको। ये करीब कितने सेल मैंने बताया आपको, 8 सेल है ना। इसको इस तरह समझ लीजिए, ये 1 2 3 4 ऊपर के हैं और 1 2 3 और 4 ये नीचे के हैं। तो ये जो ऊपर के 4 है इसे हमने कह दिया, क्या कह दिया, जो किसकी साइड है, कैलेजल एंड की साइड है। यहाँ पर क्या है, कैलेजल एंड है, ये नीचे ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड के में तो सस्पेंसर का नीचे वाला ये भाग है, सस्पेंसर का हॉस्टोरिया वाला सेल जो है ये हॉस्टोरिया है, चूसकांग, ठीक है ना, ये नीचे की साइड। तो ये बनना है इस वाले ऑक्सन अष्टांश अष्टांशक से, ऑक्टेंट से। ऑक्टेंट के जो ऊपर वाले सेल है अग्र भाग है, तो ये क्या बनाता है, यही बाद में क्या बनाता है, जो ये ऊपर के 4 सेल हैं ऑक्टेंट के जो अग्र भाग है, अग्र अष्टांशक है, अग्र अष्टांशक का जो भाग है जिसमें 4 कोशिकाएं हैं, इससे क्या क्या बनना है। इससे बनेगा बेटा देखो ये कॉटिलिडॉन्स, ठीक है ना, ये कॉटिलिडॉन्स बन रहे हैं, बीजपत्रक। और क्या बनेगा दूसरी बात, इससे क्या बनना है, प्लूम्यूल, प्रांकुर, प्रांकुर, एपिकुटाइल, प्रांकुर, ये सारा इससे डेवलप होगा, ठीक है। ये दो बातें आप इसमें देखें, ध्यान रखिए, कॉटिलिडॉन इससे बनेंगे, ये धीरे धीरे डेवलप होता है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ कहीं ये स्टेम टिप जो बोल रहा है ना, ये इसी को आप समझिए कि ये स्टेम, ये पूरा एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो। ये पूरा है, तो इसका ऊपर का भाग स्टेम टिप है, नीचे का भाग रूट में रीजन में काउंट हो जाएगा, बीच का है हाइपोकोटाइल रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लूम्यूल और इसका, इसी तरह से जो नीचे का भाग है, जो ये नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग क्या बनाएगा, क्या है, ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और टांग, पोस्टीरियर ऑक्टेंट जो है या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑक्टेंट है, ये क्या बनाएगा, रेडिकल और हाइपोकोटाइल, क्या बनाएगा, रेडिकल और हाइपोकोटाइल। मैं लिख देता हूं यहां पर, रेडिकल मैंने, रेडिकल मैंने मूलांकुर, और दूसरा बनाएगा हाइपो हाइपोकोटाइल, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। वो सारे चीजें एपिटुलाइल, वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये बनाएगा इसका नीचे वाले जो ऑक्टेंट है ये बनाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। कोई कमेंट करना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कोई अगर आपको डाउट लगता है तो। चलिए ये आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, है ना। इनमें चीजें समझने वाली क्वेश्चन हमने दिखा दिया आपको, कैसे बनेंगे, है ना, बीच में रूट टिप है, स्टेम टिप है ना, रूट स्टेम, ये दोनों मिला के ये आपको प्रो एम्ब्रायो के पार्ट है। ये सारी चीजें प्रो एम्ब्रायो से डेवलप हुई हैं। अच्छा सस्पेंसर का एक बात है, यहाँ पर सस्पेंसर जो है ना, इसका लास्ट में क्या होता है, देखिए जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है ये सस्पेंसर अपने आप में क्या कर जाता है, नष्ट हो जाता है, डिजॉल्व कर जाता है, ठीक है ना। इसका ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो एम्ब्रायो जो है वो ये है, बीज जो है वो ये है, इसी से ये पूरी तरह से विकसित होगा, यही भ्रूण है। अच्छा जो मैंने अभी बातें बताई ये उसी का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या है,
एक तरह से पॉइंट है मेन, जो हमने ये चित्र अभी देखा है ये बेसिकली जो किस प्लांट का है, कैप्सेला बर्सा पास्टोरिस एक प्लांट है, उसमें डाइकॉट या द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास किस तरह हो रहा है हमने वो देखा है, ठीक है। वो प्लांट का नाम है, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ऊ स्पोर कहते हैं, निषिक्तांड कहते हैं, तांड है ये, निषिक्तांड, ठीक है ना, निषिक्तांड, जो कि मेल और फीमेल गेटने बनने से या जायगोट जो पहले बना उसको हम ऊ स्पोर कह रहे हैं, उगोनियम जैसे बोलते हैं वैसे ऊ स्पोर कह दिया हमने, जो पहली संरचना बनी। फिर उसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होता है तो क्या बनता है, आधारी कोशिका और शिखागर कोशिका। फिर क्या होता है, जो क्या बोलते हैं आपकी जो बेसल सेल है आधारी कोशिका है, उसमें निलंबक बनाया है ना, जो हमने देखा अभी निलंबक बनाया। उसके बाद उसमें हमने देखा कि निलंबक जो है नीचे वाला सेल उसका होस्टोरियम कहलाता है, ऊपर वाला जो ठीक है जो उसके पास रहता है जो कि शिखागर कोशिका के बिल्कुल पास है, उसे हम हाइपोस्टेसिस कहते हैं, जिससे डेवलप बाद में जो एंटीरियर पार्ट ऑफ रेडिकल डेवलप होता है। और एपिकल सेल है वो एम्ब्रायनल मास में डेवलप होगा या एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो कैसे डेवलप होता है, वो पहले 4 सेल बनते हैं फिर 8 बन जाते हैं। हमने अष्टांशक, देखो हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग अलग हो सकती है क्योंकि मेरे को ये टाइप करते हुए थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसमें ये ले नहीं रहा था, तो ये अष्टांशक है, अष्टांशक, ट ट ठीक है ना, त नहीं है, तो इसको अपने आप बुक देख सही कर लेना। चलिए फिर हमने देखा था कि पोस्टीरियर सेल ऑफ ऑक्टेंट डेवलप रेडिकल, जो कि नीचे का भाग है जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, वो क्या है सस्पेंसर की साइड है, तो वो सस्पेंसर की साइड वाला जो मूलांकुर और हाइपोकोटाइल डेवलप करता है, जो ऊपर की साइड है अग्र भाग है वो किस में डेवलप हो जाता है, वो प्लूम्यूल, प्लूम्यूल जिससे कि बाद में सूट डेवलप होंगी या पत्तियां और टहनियां बनेंगी उस भाग में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और टू दो कॉटिलीडन ये किससे बनेंगे, ये भी आपके जो अग्र भाग है इससे बनेंगे। अच्छा ये रेडिकल नहीं, रेडिकल तो उससे डेवलप होगा बेटा, है ना, ये नहीं है, इसको आप हटा दीजिएगा यहां से। चलिए ये नहीं, ठीक है, प्रांकुर और बीज पत्रक, तो ये किससे हो रहा है, अग्र भाग से डेवलप। अच्छा अब देखते हैं कि जो उसको समझिएगा कि जो ये अब मोनोकॉट का देखेंगे हम, तो मोनोकॉट में ज्यादा फर्क नहीं है, जहां तक अष्टांशक वाली बात है, अष्टांशक वाली बात है वहां तक तो ये समान है, ठीक है ना, वहां तक इसका बनना समान है, लेकिन उसके बाद थोड़ा फर्क आ जाता है, जब 8 सेल बनने के बाद में, क्योंकि उसमें क्या है आपने देखा एक बीजपत्र में क्या है, एक तो कॉटिलीडॉन तो एक ही होता है ना, कॉटिलीडॉन एक ही होता है, उसमें क्या क्या अंतर है, और क्या होता है जो डेवलपमेंट जो है अष्टांशक के बाद थोड़ा बदल जाता है, कैसे बदलता है, इसमें आप देखिए कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ ऑक्टेंट है ना, उससे क्या बनता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ कोटिलेडोन बनता है। वहां तो हम कह रहे थे कि पूरा का पूरा जो कोटिलेडोन का एंटीरियर पार्ट है ऑक्टेंट का, जो ये ऊपर का ऑक्टेंट है मान लीजिए, तो इस पूरे भाग से क्या बन रहा था, कोटिलेडोन बन रहा था, और भी चीज बन रही थी, लेकिन यहां क्या होता है कि जो एंटीरियर पार्ट है इससे केवल कॉटिलीडॉन जो बीज पत्रक है उसका ऊपर का भाग बनता है, और नीचे का भाग किससे बनता है, फिर पोस्टीरियर से बनता है। एक बात तो ये फर्क आ गया कि कॉटिलीडॉन का ऊपर का भाग एक पार्ट से बन रहा है, एक ऑक्टेंट से, और नीचे वाला भाग एक से बन रहा है, ये दोनों दोनों भाग लेते हैं, वहां क्या था दोनों से जवाब होता है, दोनों ऊपर वाले जो 4 सेल होते हैं उनसे बनता है। फिर क्या होता है, होल रेडिकल डेवलप फ्रॉम हाइपोफाइसिस, मतलब कि पूरा का पूरा जो रेडिकल है मूलांकुर है वो हाइपोफाइसिस पत्रा बीज पत्राधार से डेवलप होता है, ठीक है ना, वहां तो ये बीज पत्राधार का थोड़ा सा अग्र भाग बना रहा था, लेकिन यहाँ ये पूरा का पूरा जो है हाइपोफाइसिस जो है वो उसी से डेवलप होता है, नियर बाई सेल्स से, उसी कुछ आसपास की कोशिकाओं से मिलकर पूरा का पूरा रेडिकल पूरा जो है वो उसी से डेवलप होता है, ठीक, जो ये यहाँ पे था ना, इस तरह से, इस तरह से हो जाता है इससे, इस वाली कोशिका से, ये तो था हाइपोफाइसिस, इसमें भी ऐसे होता है। ये मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये मोनोकॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वहां भी बनता तो कुछ है लेकिन ऑक्टेंट में थोड़ा बहुत अंतर आ गया, वो अंतर मैंने आपको बताया ही आया। फिर आते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑक्टेंट क्या क्या बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको अलग रंग से इसलिए लिखा है, क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑक्टेंट जो है ये वाला जो पोर्शन है ऑक्टेंट का, ये वाला हाइपोकोटाइल बनाता है, प्लूम्यूल भी यही बनाता है, और मैंने अभी बता दिया आपको कि पोस्टीरियर जो कोटिलेडोन का नीचे का पोर्शन है उसको भी यही बनाता है, पोस्टीरियर पोर्शन, तो ये बताते हैं हाइपोकोटाइल और प्लूम्यूल कौन से बन रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑक्टेंट से बन रहा है, ठीक है। हो सकता है उम्मीद है समझ आया हो, कुछ कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा उसको, है ना, तो थैंक यू, ठीक है बेटा।